जी मेरा सवाल यह है कि जैसे पेशाब वगैरह कर देते हैं कोई जगह पे, तो उसको कितनी बार पोछने से वो पाक होता है? एक बार या दो बार या 3 बार? जरा वजाहत कर दीजिए बच्चे पेशाब कर देते हैं, जी। बेटा या बेटी? बेटा जी बेटा है शेख, बेटा बेटा। बेटा क्या अभी वो शीरखार है, दूध पीता बच्चा है? नहीं, 2 साल का, 5 साल का एक छोटा है अभी, दूध पीता हुआ। देखिए, हाँ देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि युगसलु मिन बौलि जारिया व युरशु मिन बौलि गुलाम। अगर शीरखार बच्ची पेशाब कर दे तो उसके पेशाब को धोया जाएगा, अगर शीरखार दूध पीने वाला बच्चा पेशाब कर दे तो उसके पेशाब पर छींटा मारा जाएगा। अब दूध पीने वाला बच्चा कौन या बच्ची कौन है? दूध पीने वाला बच्चा या बच्ची सही कौल के मुताबिक वो है जिसकी बुनियादी गिज़ा अभी दूध ही हो, अभी उसकी जिंदगी दूध ही पर गुजर रही हो, बुनियादी गिजा उसकी बेसिक गिजा दूध ही हो। जब तक उसकी बुनियादी गिजा दूध है तब तक वो शीरखार बच्चा माना जाएगा, रबी माना जाएगा। उस वक्त तक ये हुक्म लागू होगा कि अगर बच्चा है तो छींटा मारेंगे, बच्ची है तो उसको धोएंगे। ठीक है? जी सर, जी शेख, पूछने का मतलब ये है जैसे 2 2.5 साल के बच्चे रहते हैं, वो लोग जमीन पे पेशाब अगर कर दिए तो एक बार पोछने से पाक हो जाता है या उसको 2 3 बार पोछना ही जरूरी है? ये वजाहत कीजिए। मैंने इसी का जवाब दिया कि अगर बेटा है तो उस पर आप जैसे जमीन पर पेशाब किया, जमीन कई दफा कच्ची होती है तो वहां पे तो पेशाब जज्ब हो जाएगा जमीन में, आप उस पे छींटा मार दें वो पाक है। अगर जज्ब नहीं हुआ है पेशाब तो उस पेशाब को आप साफ कर दें, साफ करके उस पे छींटा मार दें। अगर बच्ची ने पेशाब किया है तो उसको आप धोएं, ये हुक्म है। अब इसमें एक बार दो बार की कोई कैद नहीं है, वो बच्ची का पेशाब है तो जितनी बार धोने से वो साफ हो जाए, वो चीज खत्म हो जाए, उतनी बार आप धोए। एक बार में खत्म हो जाएगा आमतौर से, अगर एक बार में खत्म हो जा रहा है तो काफी है, लेकिन अगर बच्चे का पेशाब है तो उस पर छींटा मारेंगे। और आप ऐसे ही 2 2.5 साल मत कहिए, जब तक वो, ये हुक्म उस वक्त तक है जब तक वो बच्चा दूध पर उसकी जिंदगी गुजर रही है, जब तक उसकी बेसिक और बुनियादी गिज़ा दूध है तब तक। जब वो बड़े हो जाएंगे उसके बाद तो धोना है मुकम्मल तौर से, और इतना धोना है जितने से वो साफ हो जाए। तादाद की कोई कैद नहीं है कि एक बार या दो बार या 3 बार, जितनी बार धोने से वो साफ हो जाए। शेख, अगर लड़का है तो जमीन को साफ करने के बाद फिर छींटे मारने पड़ेंगे शेख अलग से? देखिए, अगर जाहिर है जमीन को अगर आपने इस तरह साफ किया कि अब कुछ पेशाब का कोई हिस्सा नहीं बचा है तब तो छींटा मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो असल है वही खत्म हो गया। लेकिन जी। अगर जमीन को साफ करने के बाद उसका हिस्सा कुछ बचा हुआ है तो उस पर छींटा मार देंगे।